आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसे गहरी नींद आए। कहते हैं जिन लोगों को गहरी नींद आती है उनका शरीर सेहतमंद और दिमाग तंदुरुस्त रहता है। बेडरूम घर की वह जगह होती है जहां कोई भी व्यक्ति सबसे अधिक समय व्यतीत करता है। मान्यता है कि गहरी नींद के लिए बेडरूम का वास्तु सही हो यह तो ज़रूरी है ही, साथ ही यह भी ज़रूरी है कि बेडरूम में नाइट लैंप के बल्ब के रंग का भी उचित चुनाव किया जाए। माना जाता है कि उग्र रंग जैसे नीले या लाल का चुनाव करने पर झगड़े अधिक होते हैं, गुस्सा भी बढ़ता है। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वे बेडरूम में पूरी तरह अंधेरा करके सोते हैं, जबकि बेडरूम में अंधेरा करके सोना शुभ नहीं माना जाता। इसका मुख्य कारण तो यह है कि अंधेरे में सोने से नींद अधिक गहरी नहीं आती है, साथ ही कई बार इसी कारण बुरे सपने भी दिखाई देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बेडरूम में अंधेरा करके सोने से नकारात्मक विचार आते हैं। इसका कारण यही है कि कमरे में प्रकाश ना होने के कारण नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण नकारात्मक विचार आते हैं। इसलिए रात को बेडरूम में पूरी तरह अंधेरा करके नहीं सोना चाहिए। आमतौर पर नवजात बच्चों के लिए 20 घंटे, 6-7 साल के बच्चों के लिए 12 घंटे और बड़ों के लिए 7-8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। 45 साल की उम्र के बाद अक्सर नींद कम हो जाती है। इस उम्र में 6 घंटे की नींद काफ़ी होती है। वैसे बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक 1-2 घंटे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 10 घंटे की खराब या डिस्टर्ब नींद से 3 घंटे की अच्छी और गहरी नींद बेहतर है। अक्सर बेवक्त मसलन रात में 1 या 2 बजे लोग सोते हैं तो शरीर को और लंबी नींद की ज़रूरत होती है। किसी एडल्ट के लिए बहुत ज़्यादा सोना 10 घंटे से भी ज़्यादा भी सेहत के लिए सही नहीं है। हालांकि कभी कभार ऐसा हो तो चलता है। अगर आप रात को ठीक से नहीं सो पाते हैं तो दूसरे दिन आपकी तबीयत बिगड़ सकती है और आपका किसी काम में मन भी नहीं लग सकता। आपका दिमाग ठीक से काम कर सके इसके लिए आपको अपनी रात की नींद 7 घंटे ज़रूर पूरी करनी चाहिए। कई लोग रात को सोते तो ठीक टाइम से हैं, मगर उनकी नींद रात में कई बार खुलती है। आप रात को सही प्रकार से सोएं, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका बेडरूम उस लायक हो जहां पर जाते ही झट से नींद आ जाए। बेडरूम ऐसा होना चाहिए जिसमें सोने जाओ तो झट से नींद आ जाए। जिस कमरे में आप अपने पार्टनर के साथ सोते हैं उसमें टीवी ना रखें, नहीं तो आपके करीबी रिश्ते में दरार आ सकती है। टीवी नींद को ख़राब करता है, इसलिए इसे किसी दूसरे कमरे में रखें। कई लोग गहरी नींद आने के लिए अंधेरे कमरे में सोना पसंद करते हैं, इसलिए अपने कमरे में गहरे रंग के या ज़्यादा भारी पर्दे लगवाएं, जिससे सूरज की रोशनी या फिर अन्य उजाला कमरे में अंदर ना आ सके। भरपूर भोजन करने से आती है अच्छी नींद। वैसे तो कई लोग अंधेरा कमरा ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ दूसरे लोग भी हैं जिन्हें हल्की सी डिम लाइट में सोना पसंद होता है। यह डिम लाइट कई रंगों में आती है। आप एक डार्क रंग का नाइट बल्ब चूज कर सकते हैं। रात में सोते वक्त यह ध्यान में रखें कि बाथरूम में पानी टपकने की आवाज़ ना आए, दरवाज़ों और खिड़कियों को बंद करते वक्त आवाज़ ना आए। इन दोनों का ख्याल रखें, नहीं तो आपको सोते वक्त बेकार की आवाज़ों का सामना करना पड़ सकता है। अगर घर के बाहर आंधी या तेज़ हवा चल रही हो तो बाथरूम तथा किचन के दरवाज़ों को, खिड़कियों के पल्लों को अच्छे से बंद कर दें। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको उपयोगी एवं महत्वपूर्ण लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।